पार्टी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल मुसलमानों के नबी तमाम आलम इस्लाम के नबी मैसेंजर को शान में गुस्ताखी की है उसको लेके हिंदुस्तान भर और हिंदुस्तान के अलावा तमाम दुनिया भर इस चीज़ को लेके शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इसके अलावा देश की बहुत सारी इज्जत दाव पे लग चुकी है। आप देखेंगे कि गल्फ कंट्री में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वहाँ पे शाही जो है ना दावत थी, ये बयानबाजी के बाद वेंकैया नायडू को वो शाही दावत भी जो ना कैंसिल करा दिए लोग, तो यहाँ पे देश का जो है ना नाम देश की शान सब ख़राब हो रही है। मैं सिर्फ दो लोगों की तरफ से, तो मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि उनको पार्टी से बर्खास्त करना ही काफ़ी नहीं है, उनको अरेस्ट करके जेल में भेजे ताकि कोई आइंदा किसी भी मज़हब के पेशवाओं को गुरु को मैसेंजर को नबी की शान में गुस्ताखी ना करे, ऐसा कानून के ऊपर अमल करते हुए ये लोगों को जेल पे भेजे। जल्द से जल्द नुपुर शर्मा को उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर 15 दिन हो चुके FIR दर्ज होकर 15 दिन से 20 दिन से उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस स्टेशन समन्स भेजता है फिर भी गिरफ्तारी नहीं होती। उसके बजाय उसकी गिरफ्तारी की मांग करने वालों पर NSA बुक किया जाता है, UAPA बुक किया जाता है, सैकड़ों नौजवानों को जेलों में ठोसा जाता है, सिर्फ एक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ऐसी सरकार पर धिक्कारा है, ऐसी सरकार पर लानत है जो नौजवानों को, तकरीबन 300 नौजवानों को गिरफ्तार कर जेलों में ठोस रही है और आफरीन फातिमा के वालिद को जेल में डालती है और उसके घर पर बुलडोजर चलाती है। तो मैं गुलबर्गा से बताना चाहता हूँ कि इस देश में बुलडोजर से अमन अमान कायम नहीं होने वाला है। इस देश में अमन अमान संविधान से, इंसाफ से कायम होने वाला है। अगर इंसाफ नहीं होगा और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तो पूरे देश भर में आने वाले दिनों में जब तक नुपुर शर्मा की, नवीन जिंदल की, राजा सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर जगहों पर, हर सर्कल पर, हर पट्टन पर एहतजाजात होते रहेंगे। आज MSK मिल होराटा समिति की तरफ से आज DC ऑफिस में मेमोरेंडम दिया गया। मैं तमाम लोगों से बहुत खुश हूँ क्योंकि सब अपने अपने कारोबार बंद करके अपने खुद से आए यहाँ पे DC ऑफिस को मेमोरेंडम देने के लिए। एक्चुअली क्या है, हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ से मिजबा नगर से हम रैली निकालेंगे, DC ऑफिस को आएंगे बोल के, फिर हमारे तमाम जो जिम्मेदार हैं MSK मिल के वो लोग सब जने तय करने के बाद में खाली डायरेक्ट हम DC ऑफिस को मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि हमारा काम एक पीस मेंटेन करना है। जो सामने वाले जैसे हरकत करें हमको ऐसा नहीं करना है, हमारे को किसी को पत्थरबाजी नहीं करना है, हमारे को जो संविधान के तहत चलना है हमको और शरीयत के मुताबिक काम हम करने वाले हैं काम। आज जो MSK मिल का एहतियात बताया है ये तो सिर्फ एक नमूना है, ऐसा पूरे दुनिया भर में होने वाला है। अगर ये विपुल शर्मा को अरेस्ट नहीं करे, ये नवीन जिंदाल को अगर अरेस्ट नहीं करेंगे, ये एहतियात कंटिन्यू ऐसे ही जारी रहेगा। एक हमारे कर्नाटक सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि नवीन जिंदाल को और विपुल शर्मा को अरेस्ट करना और जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए। और हमारी सरकार से यही जो है ना एक अपील है, यही एक गुजारिश है, ये एक मनवी है हमारी कि वो विपुल शर्मा और नवीन जिंदाल को जल्द से जल्द जो है ना सलाखों के पीछे डालें, वरना हम ये एहतजाज जारी और सारी रखेंगे। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ हम तमाम का कहना है, आज हमारा भारत घायल हो चुका है, सारी दुनिया के सामने हमारा सर झुका हुआ है, सारे दुनिया के ममालिक हमसे माफ़ी तलब कर रहे हैं। ये सिर्फ BJP के चाल के वजह से हुआ। अगर BJP सरकार, मोदी की सरकार
इन तमाम जो पहले मुस्लिम खिलाफ मॉब लिंचिंग और जो है ना बहुत सारे जो तशद्दुद किए उसको रोकते, तो ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल आज ये बयान नहीं दे सकते थे, क्योंकि इनको सरकार की पश्चपनाई है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, जिलानाबाद होराट समिति के जानिब से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को फौरन गिरफ्तार किया जाए, वरना ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा, चलता रहेगा। जो गुस्ताखी करने वाले आरोपियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो अवध शब्द का इस्तेमाल किए, उन लोगों को जब तक जेल में नहीं डालते, यही हमारा नारा है। और इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में भी जब तक इनको सलाखों के पीछे नहीं भेजते, ये हमारे आंदोलन ये प्रोटेस्ट करेंगे। यहाँ तक के अगर जेल भरने वाली बात भी है तो हम रोडों पे जेल भरो आंदोलन भी करेंगे।